स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4 प्रॉब्लम नंबर 15। यहाँ वो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है, तो इसके इंटीग्रल को आई से रिप्रेजेंट किया और इसको इवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना करके स्टैंडर्ड इंटीग्रल के हेल्प से इसको इवेल्युएट करें, जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में करते आए हैं, उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। 1/ और रूट के अंदर यहाँ पर है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई थोड़ा ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, यानी एक्स को ले लिया कॉमन और प्लस ए बी, इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया होगा। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करता है, कोई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है देखते हैं, 1 है तो 1 पहले से है। अब एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ ए प्लस बी है, तो इसका हाफ करेंगे, ए प्लस बी का हाफ कर लेंगे और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, इसी को ऐड करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये टर्म और ये टर्म मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा, तो ये चलिए डी एक्स को यहाँ लिख दिया कि ये जो ज़्यादा लंबी लाइन रहा करें, और देखिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस ए प्लस बी, एक्स में हमने क्या ऐड किया ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर को ऐड किया। अब इसी को सबट्रैक्ट भी करेंगे, तो यहाँ पर ए प्लस बी है और माइनस और यहाँ पर हो गया ए प्लस बी बाई 2 स्क्वायर। और अब चलिए अब देखते हैं डी एक्स, अब यहाँ देखें ये देखेंगे तो ये तीन मिल टर्म मिल करके परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, कैसे, इसका स्क्वायर रूट होगा एक्स, इसका स्क्वायर रूट होगा ए प्लस बी बाई 2 और 2 फार्मूला का, ये 2 से 2 कट गया, यानी ए प्लस बी एक्स आ गया, ये परफेक्ट बीच वाला टर्म मिल गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो इसके लिए तो हम एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर लिखेंगे। अब बारी है इसको सॉल्व करने की, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा रफ में चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी ए बी माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो हो गया ए बी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 4 ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी और अपॉन 4, तो ये तो मिला माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्विंग प्लस 2 ए बी अपॉन 4, माइनस ले लिया कॉमन, जो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो माइनस ये पॉजिटिव का ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, यानी हमें मिलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब इसी को हम ऐसे लिखेंगे माइनस ए माइनस बी बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर, ये मिल गया इतना आया। अब देख रहे हैं तो ये इसको इस वाले को हम टी मान लेंगे, लेट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 को हमने इस पूरे टर्म को क्या किया टी मान लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिलेगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा और डी टी आएगा। अब वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा है, अब क्या होगा, हाँ स्टूडेंट्स ये आपको नहीं दिख रहा है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब चलिए अब यहाँ पर वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम ये पूरा 1/ अंडर रूट, ये तो इसके जगह पर आएगा टी स्क्वायर आएगा, और ये माइनस ए माइनस बी बाई 2 ये पूरे का हो गया होल स्क्वायर, और ये डी एक्स की जगह पर आ गया डी टी। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो लगने वाला है वह है इंटीग्रल 1/ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स रहता है, तो इसके जगह पर लिखते हैं लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसे हमने आपको प्रूफ करके बताया हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियो है उसमें आप देखिए, तभी आप इसको याद रख पाएंगे। अब चलिए इसके हेल्प से इसको इवैल्यूएट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेंट ए है, तो यहाँ ए माइनस बी बाई 2 है, और वेरिएबल टी है तो एक्स है, तो अब तो एकदम सिंपल हो गया। इसको जब इवेल्युएट करेंगे तो हमें सीधा सीधा मिलेगा लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस सी। अब ऐसा करते हैं टी की वैल्यू रखेंगे, लॉग टी
टी तो यहाँ देखिए टी क्या है, ये एक्स माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी बाई टू है, और पूरा ये पूरे का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हमें देना नहीं है क्यों, टी की वैल्यू है केवल टी रखना है। तो ये देखेंगे यहाँ पर, इसको आप देख लीजिए, ये टी की वैल्यू ये है, ये यहाँ से हमें टी की वैल्यू यहाँ है एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू हमने वहाँ रख दिया, और फिर प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब यही आएगा एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू, इस बार यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा, और ये तो है ही है ए माइनस बी बाई टू स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक कॉपी कीजिए, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो हमने सॉल्व किया तो हमें लास्ट में क्या मिला था, लास्ट में यही मिला एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर ए माइनस बी। इसको जब हम एक्सपेंड करके जब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसके जगह पर केवल इसी को लिख देना है। तो ये आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो यूज़ हुआ है, इसके हेल्प से वैल्यू करेंगे, नीचे लिखा हुआ है, अब यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सीधा सीधा अब सॉल्व कर लेंगे। तो लॉग ये हो गया एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू और प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखिए ये सॉल्व हो गया है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ा सा लंबी प्रॉब्लम है, और फिर आपको हम नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।